हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल ऑफ कॉर्ड ड्रॉ करने जा रहे हैं। स्केल ऑफ कॉर्ड का मतलब है एक इस टाइप का अरेंजमेंट जिसकी हेल्प से चांदा का यूज किए बिना ही हम किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप का ये जो सेटअप है, इस सेटअप को हम ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करते हैं और उस ड्राइंग शीट पर ड्रॉ किए हुए सेटअप की हेल्प से उसको फिर हम एंगल को शीट पर ड्रॉ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप से है, ड्रॉ आ स्केल ऑफ कॉर्ड्स और मेजर आ एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड स्केल लेंथ इज 80 mm। सो स्केल लेंथ इसकी 80 mm दी हुई है। वैसे तो स्केल के लिए हमें यहाँ पे कोई पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी दिया है तो हम इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए अब हम यहाँ पे ड्राइंग शीट में इसको ड्रॉ करें। ड्राइंग शीट में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे जो कि लेंथ 80 mm हमें दी हुई है, उसके रिस्पेक्ट में 80 mm की हम एक लाइन खींचेंगे ए बी। मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से हम ये लेंथ मार्क कर देंगे यहाँ पे 80 mm और एच बी पेंसिल से यहाँ पे एक हम लाइन खींच देंगे 80 mm लाइन ए बी। यहाँ पे इसको हम मार्क कर देंगे ए एंड बी। अब इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर और लाइन खींचेंगे बी सी, जो कि लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, साथ ही साथ इसकी लेंथ भी वही 80 mm रहेगी। इस तरीके से हमने ये दूसरी लाइन खींच दी जो कि परपेंडिकुलर है, जो पॉइंट है ये हमारा सी हो गया, लाइन का एंड है। अब हम प्रकार की हेल्प से एक आर्क काटेंगे जो कि पॉइंट ए से सी के ओर जाएगी और इसकी जो लेंथ है ए बी के बराबर ए सी हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने बी को सेंटर मान के और ये हमने आर्क काट दिया। अब आर काटने के बाद इसकी जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लाइन ए बी को एक्सटेंड कर देंगे पॉइंट डी की ओर। इस तरीके से इस लाइन को जो एक्सटेंड किया है इसमें लेंथ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद पॉइंट ए को सेंटर मान के सी से एक्सटेंड की हुई लाइन की ओर हम एक आर्क काटेंगे जो कि एक्सटेंड की हुई लाइन ए बी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करेगी। इस तरीके से ये देखिए, ये हमने एक आर्क काट दिया जो डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए बी को। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा एक फ्रेम हो गया स्केल ऑफ कॉर्ड का। अब इस फ्रेम को हमें फिनिश करना है, तो फिनिश करने के लिए स्केल की तरह दिखना चाहिए, इसलिए हम इसकी एक और लाइन नीचे खींचते हैं और ये जो लाइन है इस तरीके से, और इसके जो हम आर्क के जो अपर पॉइंट्स हैं इनसे हम इसको मिला देंगे। तो हमारे तीन पॉइंट हैं स्केल के, एक है ए बी और एक है बी डी। तो यहाँ से ए बी और डी जो तीनों पॉइंट हैं इनको हमने नीचे प्रोजेक्ट कर दिए। प्रोजेक्ट करने के बाद अब हमें ये जो लाइन है ए बी है इसको इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है और लाइन जो बी डी है इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो लाइन ए बी को डिवाइड करने के पैरेलल लाइन मेथड्स यूज कर रहे हैं। इस पैरेलल लाइन मेथड्स में हम एक नीचे इंक्लाइन लाइन खींचते हैं जिसको हमें डिवाइड करना है उस लाइन के नीचे, और इस इंक्लाइन लाइन पर इक्वली उतने डिवीजन प्रकार से मार्क करते हैं जितने भागों में हमें डिवाइड करना है। तो लाइन ए बी को हमें 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसलिए हम इस इंक्लाइन लाइन के ऊपर 6 इक्वल डिवीजन्स मार्क करेंगे इस डिवाइडर से। तो यहाँ पे हम, ये हमारे पास डिवाइडर है, हमने इक्वली डिवीजन्स मार्क करने के लिए ओपन कर लिया, ये मार्क कर रहे हैं इस तरीके से 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 मार्क कर लिए। मार्क करने के बाद इनकी हम नंबरिंग कर देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मार्किंग के बाद अब हम दूसरी लाइन है, मार्किंग के बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आया है, लास्ट पॉइंट को
जो हमारा स्केल का लास्ट पॉइंट है या लाइन का लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उससे हम मिला देंगे इस तरीके से। और मिनी ड्राफ्टर से फिर हम पैरेलल लाइनें खींचते जाएंगे इक्वली। ये हमने पैरेलल लाइन खींचते गए। इस पैरेलल लाइन के खींचने से जो हमारी लाइन ए बी है वो इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये हमारी लाइन इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब इसके बाद सिमिलरली जो हमारी लाइन बी डी है इसको भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये एक प्रकार से हेल्प हम मार्क कर दे रहे, ये 3 इक्वल डिविजन्स हमने मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद लाइन बी डी को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दोनों के लास्ट पॉइंट्स को हम इस तरीके से इस मिनी ड्राफ्टर से मिला देंगे। ये देखिए, ये मिला दिया। मिलाने के बाद आगे सारे पॉइंटों को भी इसी तरीके से पैरेलल हम मिलाते जाएंगे, और ये हमने मिला दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारी जो स्केल है, लाइन जो डिवाइड हुए हैं उनको हम इस तरीके से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे। सारे पॉइंट डिविजन्स वाले पॉइंट से इनको प्रोजेक्ट कर दिया, और प्रोजेक्ट करने के बाद हमारी जो लाइन ए डी है ये 9 डिविजन्स में डिवाइड हो गई, जिसमें से आगे के 6 डिविजन्स इक्वल हैं और 3 डिविजन्स आगे के वो इक्वल हैं, टोटल 9 है। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट सी लाइन ए बी पर 90 डिग्री से इंक्लाइंड है, और इस 90 डिग्री को हम यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री से जो आर्क आया है 9 इक्वल डिविजन्स पे डिवाइड कर रहा है। तो यदि ये 90 डिग्री एंगल है और इसको प्रोजेक्ट कर रहे जो डी पॉइंट है, ये 9 डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 9 डिवीजन्स 90 डिग्री के बराबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे ये नंबरिंग कर देंगे पहले, तो 6 7 8 9, ये जो 9 डिवीजन है 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो अदर्स जो डिवीजन्स हैं इसको हम 90 डिग्री, वो सेम 8 डिवीजन 80 डिग्री, 7 डिवीजन 70 डिग्री, 6 डिवीजन 60 डिग्री, 5 डिवीजन 50 डिग्री, और 4 डिवीजन 40 डिग्री, 3rd डिवीजन 30 डिग्री, 2nd डिवीजन 20 डिग्री, 1st डिवीजन 10 डिग्री, इस तरीके से डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारी ये जो लाइनें हैं जो डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यदि हम इन्हीं पॉइंटों को ऊपर आर्क ए सी पर प्रोजेक्ट कर देंगे, तो ऊपर के जो डिवीजन से आर के डिवीजन वो भी इसी तरीके से 10-10 डिग्री के डिफरेंस से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये अगर वो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये यहाँ 90 है ही पहले से, और रिमेनिंग जो आर्क हैं वो यदि हम खींच देंगे तो वो भी इसी फॉर्मेट में सारे एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए ये 7, ये 6 डिवीजन, ये 5th डिवीजन, ये 4th, 3rd, 2nd और ये 1st। तो ये हमने सारे पॉइंटों को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट करने के बाद एक कॉमन सीक्वेंस में इनकी नंबरिंग कर देंगे, 70 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री है, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री और 0। तो इस तरीके से ये हमारा जो आर्क है इसके सेपरेट सेपरेट पॉइंट मिल गए, और ये पॉइंट जो है पॉइंट बी से ये एंगल को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट बी से यदि हम
60 डिग्री के पॉइंट को मिलाते हैं और मिलाने के बाद फिर इसको चेक करते हैं। तो देखिए, जैसे हम बी से 60 डिग्री के पॉइंट को मिला दें एक लाइन के फॉर्म में और इसको चेक करें, तो लाइन जो ए बी के ऊपर जो लाइन खींच रही है उसका एंगल 60 डिग्री आना चाहिए। देखिए, अब हम चांदा से चेक कर रहे हैं प्रोटेक्टर से, तो चेक करने के बाद देखिए ये एक्यूरेट 60 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो स्केल ऑफ कॉर्ड्स बनाया हुआ है वो हमारा एकदम सही है। अब इसकी हेल्प से जो भी एंगल हमें मेजर करना है उस एंगल को या ड्रॉ करना है उस एंगल को हम इसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 45 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ जो हमारे पास स्केल बनी हुई है, इस स्केल में 45 डिग्री का वैल्यू नहीं है, 40 है और 50 है। तो 40 और 50 के बीच में लाइक करेगा। हेल्प से इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद जो हमारे पास पॉइंट आएगा उस पॉइंट को मार्क कर देंगे और मार्क करने के बाद इसी पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि लाइन जो कि आर्क एसी पर इंटरसेक्ट करेगा इस तरीके से। ये देखिए, ए को सेंटर मान के हमने ये आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है ई रहेगा और इस ई पॉइंट की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के रिप्रेजेंट होगी। अब हम ये जो 45 डिग्री हमने एंगल मार्क किया इसको हमें यहाँ पे नेक्स्ट जगह पे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए जो हमने लाइन ली थी ए बी 80 mm, उसकी एक नई लाइन खींचेंगे ए बी 80 mm की इस तरीके से। और ए बी पर पॉइंट, ये हमने ए बी खींच दिया और खींचने के बाद पॉइंट बी से हम 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने पॉइंट स्केल ऑफ कॉर्ड में पॉइंट बी से 45 की जो वैल्यू है उसको लेंथ को मेजर कर लिया है और लेंथ को मेजर करने के बाद इस तरीके से आर्क काट दिया हमने अपनी स्केल पे। सेम दूसरा पॉइंट ए से भी पॉइंट 45 डिग्री की लेंथ मेजर करेंगे और हमने अपनी लाइन के ऊपर ए से आर्क काट देंगे। इसको हम ई पॉइंट नाम दे देंगे। अब यहाँ पे भी ये हमारा ई हो गया। अब जो हमारा पॉइंट मिला हुआ है इस पॉइंट को हम इस तरीके से बी से ई को मिला देंगे। अब बी से ई को मिलाने के बाद हम देखेंगे कि एंगल ए बी ई इक्वल टू 45 है। तो हम अपने कन्फर्मेशन के लिए जो हमने एंगल खींचा हुआ है इसको हम प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोटेक्टर से हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये एक्यूरेट 45 डिग्री आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से स्केल ऑफ कॉर्ड की हेल्प से हम कोई भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो वैल्यू है बहुत ही सिंपल वैल्यू थी। इसके अलावा इस टाइप की वैल्यू आती हैं, जैसे 62 डिग्री मेजर करना, 56 डिग्री मेजर करना, डिवीजन 62 डिग्री मेजर करना है तो हम 60 और 70 के बीच का जो हॉरिजॉन्टल स्केल है उस 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट नंबर का डिवीजन होगा उस फर्स्ट नंबर के डिवीजन से हम आर्क खींच देंगे। तो ये जो आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस आर्क पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमारा 62 डिग्री को मेजर करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से स्केल ऑफ कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण है, बस आपको एक बार ड्रॉ करके देखना है।
यदि आप एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं फिर दोबारा आपको इसके बारे में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा।